तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है हमारी नई एनिमे न्यूज़ में, जो कि होने वाले रिलेटेड टू वन पीस एंड माय हीरो एकेडमी की नई मूवी से। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की पहली एनिमे न्यूज़ की, जो है वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 से रिलेटेड, जिसका नया ट्रेलर 18 अगस्त को यूट्यूब पर आ चुका है, जिसमें हमारे चहेते जेफ वॉर्ड, जिन्होंने बगी द क्लाउन का करेक्टर निभाया है, उन्होंने एक छोटा टूर दिया है, जिसमें कौन से नए सीजन में कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स और सेट यूज़ होने वाले हैं, ये सब दिखाया है। जिसमें वो सबसे पहले जाके मिले कैरी बर्नार्ड से, जो हेड ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों के कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं। वहाँ पे जो कॉस्ट्यूम शो करी गई हैं, वो शायद अल्बास्टा आर्क या लॉकडाउन आर्क से रिलेटेड हैं। तो बात करें प्रॉप्स की, तो उनमें सबसे पहला नाम है उसुप के स्नाइपर गॉगल्स का, जो उसने लॉकडाउन आर्क में खरीदे थे। इसे ये पता चल जाता है कि नेक्स्ट सीजन में लॉकडाउन आग तो ज़रूर दिखाने वाले हैं, अलवास्ता और डम आग का भी कुछ पता नहीं है। दूसरा प्रॉप है एक बड़ा सा इंजेक्शन, जो क्रोकस ने यूज़ किया था, मुझे इतना याद है। और इसमें एक और फिश भी दिखाई है, जो सांजी ने लॉकडाउन में खरीदी थी, जो एक नीली सी फिश है जिसकी सूंड है, ये भी उसने लॉकडाउन में खरीदी थी। ये भी एक प्रूफ है कि लॉकडाउन आग आने वाला है। बात करें लोकेशंस की, जिसमें इपिन मात्सु आर्म शॉप और ट्वेन केप लाइट हाउस दिखाया गया है। इपिन मात्सु आर्म शॉप वो शॉप है जहाँ पे जोरो को नई स्वॉर्ड्स मिली थी। जब वो मियोक से हारा था तो उसकी दो तलवारें टूट गई थी, तो जब वो शॉप में गया था और एक कूल सा स्टंट किया था, वो हाथ आगे करके वो कूल सा स्टंट किया था तलवार के साथ, तो उसके जो ओनर था उसने एक उसकी एक कर्स स्वॉर्ड थी वहाँ पे, असल में एक कर्स स्वॉर्ड थी, जो सांदाई कितेत्सु है, वो पहले तो मना कर रहा था, पर जब उसने देखा कि वो उसको वील्ड कर सकता है, तो उसने जोरो को वो दे दी और एक और स्वॉर्ड दी युबाशिरी। इसमें दूसरे सेट का नाम ट्विन केप लाइट हाउस है, जो कि रिवर्स माउंटेन के बॉटम में है, और ये माउंटेन रेड लाइन और ग्रैंड लाइन जहाँ मिलती है वहाँ पड़ता है। ये ग्रैंड लाइन की एंट्री भी है, और यहीं पर स्ट्रॉ हैट्स को क्रोकस पहली बार मिला था। इस ट्रेलर के अंदर एक और लोकेशन का जिक्र किया गया है, जिसमें एक पिक्चर दिखाई गई है जो कि ड्रम किंगडम से रिलेटेड है। ड्रम किंगडम वही है जहाँ पे हमें एक नया स्ट्रॉ हैट मेंबर मिलेगा। हिंट दे देता हूँ, वो हमारा एक डॉक्टर होने वाला है, और बहुत ही क्यूट डॉक्टर होने वाला है। आज की दूसरी न्यूज़ माय एकेडमी की नई मूवी यू आर नेक्स्ट से रिलेटेड है, जिसका नया ट्रेलर 18 अगस्त को आ चुका है। इसमें एक नया एंटेगोनिस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसका नाम डार्क माइट है। ये बिल्कुल ऑल माइट जैसा दिखता है, अभी इसकी पावर्स के बारे में कुछ पता नहीं चला है, और ये भी नहीं पता कि ये अलग करेक्टर है या ऑल माइट ही है। तो बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो 2 अगस्त को ये जापान में प्रीमियर हो चुकी है, और अब ये अक्टूबर 11 को रिलीज़ होने वाली है नॉर्थ अमेरिका में। बात करें इंडिया में कब रिलीज़ होगी, तो ये ज़्यादातर दूसरे एनिमे मूवीज़ की तरह, जैसे वो 1 से 3 महीने के गैप पे वो इंडिया में आ जाती हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इसी साल एंड में आ सकती है, जैसे दिसंबर में, या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग जनवरी में ये आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और कमेंट में बताएं आपको एक वीडियो कैसी लगी, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।